श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश संत श्री प्रेमानंद महाराज जो बहुत निर्मल और सरल स्वभाव के संत हैं, आज हर कोई इनको जानता है। खासकर युवा पीढ़ी में इन संत की कृपा के कारण काफ़ी बदलाव हुए हैं, जो कि अत्यंत अच्छी बात है। हर कोई जानना चाहता होगा कि आखिर प्रेमानंद महाराज जी किस तरीके से और कैसे कैसे करके आखिर लोगों के बीच चर्चा में आए और किस प्रकार से इनका पूरा जीवन और जीवन शैली है। चलिए जानते हैं। वे वृंदावन में ही रहते हैं और उनके भजन एवं सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनके दर्शन करने के लिए भी कई बड़े लोग आते हैं। वर्तमान में संतों में उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल के अखरी गांव में हुआ था। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता श्री का नाम रामा देवी है। 13 वर्ष की उम्र से ही वे दीक्षा लेकर संत बने हुए हैं। प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, आरएसएस के प्रमुख नेता मोहन भागवत सहित सभी धर्मों के संत और गुरु भी उनके दर्शन करने के लिए उनके धाम पर पहुँचे हैं और पहुँचते रहते हैं। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से भी वृंदावन तक आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली है। वृंदावन आने से पूर्व वे ज्ञान मार्गी सन्यासी थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण की लीला देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे भक्ति मार्गी बन गए। प्रेमानंद जी के गुरु संत श्रीहित गौरांगी शरण महाराज हैं। उन्होंने प्रेमानंद जी को भक्ति का पाठ पढ़ाया। प्रेमानंद महाराज पहली बार जब मथुरा आए तो इन्हें महसूस हुआ कि यही उनकी जगह है। वे रोज बिहारी जी के मंदिर में जाने लगे, वहीं से उन्हें भक्ति मार्ग मिला। फिर जब वे प्रेमानंद जी वृंदावन के श्री राधा वल्लभ मंदिर गए तो वहां उनकी मुलाकात तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी से हुई। गोस्वामी ने उन्हें गौरांगी शरण महाराज के पास भेजा। गौरांगी महाराज से मिलकर प्रेमानंद जी का जीवन बदल गया। यहीं प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली। प्रेमानंद जी महाराज अपने सन्यासी जीवन के शुरुआती दिनों में कई दिनों तक भूखे रहते थे। घर त्याग कर वाराणसी आ गए थे। वहां गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते और तुलसी घाट पर पूजन करते। भोजन प्राप्ति की इच्छा से प्रतिदिन 10-15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में किसी ने भोजन दिया तो ठीक, अन्यथा सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में रह रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। प्रेमानंद महाराज रात्रिकाल में करीब 3 बजे छटीकरा रोड पर मौजूद श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमण रेती क्षेत्र स्थित अपने आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज जाते हैं। करीब 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान महाराज की झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ते रहते। महाराज जी की दोनों किडनी कई सालों से काम करना बंद कर दी है। वे पूरे दिन डायलिसिस पर रहते हैं। इसके बावजूद वे रोज प्रवचन देते हैं और अपने निजी नित्य कर्म भी करते हैं। कई भक्त उन्हें किडनी डोनेट करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम कृष्ण रख लिया है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि कलयुग में श्री हरि की भक्ति में ही हमें तारने की क्षमता है और कोई मार्ग या उपाय नहीं है। इसलिए रोज जप करेंगे तो सभी तरह के संकट मिट जाएंगे। इसके अलावा आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे महान संत के दर्शन करने की इच्छा किस किस की है। वैसे अगर मौका मिले तो हर कोई यह मौका जरूर चाहेगा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री राधे। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।